हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। वेलकम बैक इन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वी हैव टू डू इज सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m. तो हमको question में करना क्या है, m की value find out करना है, for which y equals to mx plus 3. उसमें अब क्या करना है, इसमें m दिया हुआ है, okay? तो हमें यहाँ से m की value find करना है और यहाँ पे y और x की value put करना है। y और x की value हम put करेंगे तभी हमको सिर्फ single variable में मिल पाएगा जो कि m है, clear है? तो अब y और x की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे, ओके? तो फिर आते हैं फिर से हमारे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इक्वेशन 1 क्या दिया है हमारे पास, 2x plus 3y equals to 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x minus 4y equals to minus 24, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करते हैं, हमेशा फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 से ले लेते हैं, क्या मिलेगा, वी गेट y के टर्म पे लेते हैं, ओके? सो 3y equals to 11 minus 2x, so y equals to 11 minus 2x upon 3, ओके? दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो अब इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 पे। सो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2, the value of y in equation 2, what we get, 2x minus 4, y ki value kitni hai, 11 minus 2x upon 3, clear, itna clear hai, equals to minus 24, ab hum isse solve kar lete hain, kya ho gaya yahan pe, 2x minus 44 minus plus, okay, 4 to the 8x upon 3, equals to minus 24. अब यहाँ 1 है तो LCM ले लेते हैं 3 का, तो ये क्या हो जाएगा, 6x minus 4x minus 44 plus 8x equals to minus 24, clear? तो अब xx कितना हो गया, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14x minus 44 equals to minus 24, ये 3 इधर जाके multiply में हो जाएगा। यहाँ तक आई गेस किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके? तो अब मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके क्या करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, इस 72, तो माइनस 72 हो गया और यहाँ पे 14x, ये माइनस 44 है, ये माइनस 44 है, उस तरफ जाके वो कितना हो जाएगा, माइनस 44 क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस 44 हो जाएगा, क्लियर? तो प्लस 44 हो जाएगा, तो अब मैं अगर इसे माइनस कर लूं तो आएगा आंसर 28, लेकिन कितने में आएगा, ये बड़े वैल्यू के सामने माइनस साइन है, क्लियर, इसलिए हम माइनस साइन लिया और ये कितना हो गया, 14x। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 28 डिवाइड बाय 14, कैंसिल आउट कर ले अगर हम इसे, 14 वन जा 14, 14 टू जा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2, ओके, x is minus 2. अब उसके बाद का स्टेप क्या होता है हमारे पास, x equals to जब minus 2 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, put x equals to minus 2 in equation 3. कौन से equation में put करना है, 3 में, तभी हमें y की value मिल पाएगी, तो चलो put करते हैं, y equals to 11 minus 2 into minus of 2, clear, minus 2 आया है, upon 3. तो क्या होगा, 11 माइनस माइनस प्लस और ये 4 अपॉन 3, दैट इज 15 अपॉन 3, और अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, y की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 5। यहाँ से मेरा x और y का वैल्यू आ गया, x आ गया माइनस 2, y आ गया 5। अब क्वेश्चन में लिखा था कि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की, और कौन से इक्वेशन में रख के, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में रख के, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, माइनस 2, और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5, ओके? तो अब पुट कर देते हैं, 5 इक्वल्स टू
m तो पता नहीं, तो m को एज इट इज रखो, x माइनस टू प्लस थ्री, क्लियर। तो अब क्या करें, m को एज इट इज रखू तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू एम, और ये माइनस थ्री हो जाएगा इधर जाके, प्लस थ्री है तो ठीक है, तो ये कितना हो गया, टू इक्वल्स टू माइनस टू एम, सो m इक्वल्स टू टू अपॉन माइनस टू, दैट मीन्स दैट इज माइनस वन। सो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, माइनस वन, जो हमें फाइंड करना था। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू, क्लियर दिस। स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई ज़रूर करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा। गाइज अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।